मयूरभंज जिलार बिशोई ब्लक अंतर्गत लुहाकानी ग्रामर इस्लाम धर्मावलंबी माने एक मास धरी पवित्र रमजान मासरे उपवास रही तारावी नमाज पाठ करी आसुथिले। तेबे शुक्रवार संध्या समय रमजान रो 29तम दिवस रे आकाश रे ईद पर्व पई नूतन जह्नर दर्शन परे समस्ते आनंदर विभोर हो जाइथिले एवं परस्पर मध्य ईद मुबारक अभिनंदन जनाइथिले। तेबे गतकाल शनिवार समग्र देश में ईद पर्व पालन होता बेले लुहाकानी ठारे धूमधाम ईद पर्व पालन करुवा नजर रही। सूचना मुताबक शनिवार सकाळ 8टा समय लुहाकानी स्थित मस्जिद रे ईद उपलक्षे नमाज पाठ कार्यक्रम थिबा बेले समस्त सदस्य सकाळ स्नान करी नुआ वस्त्र परिधान करी रीतिनीति अनुजाई मस्जिद रे उपस्थित रहितले। परे मस्जिद रे थिबा हाफिज मुस्लिम अख्तार समस्त को नमाज पाठ कराई इस्लाम धर्म विषय रे बुझाइतले। नमाज पाठ सारी समस्त निज निज घर को फेरुतले। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तबाराक व तआला का फजल है कि माह मुबीन ये मुकद्दस महीना, एक महीना हम और आपने तमाम लोगों ने रोज़ा रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुर्बानी के लिए ये ईद का दिन दिया कि तुम एक महीना रोज़ा रखो और रातों को क़याम करो, और फिर एक दिन ऐसा जो ईद का दिन हम और आप मानते हैं और आज हम लोगों ने मनाया। ये खुशियों का त्यौहार है, खुशियों का दिन है, एक दूसरे को माफ़ करने का दिन है और सभी को गले लगाने का दिन है। सब हजरात से यही गुजारिश है कि एक दूसरे को माफ़ करें, अपने भाइयों को गले लगाएं और खुशहाल रहें। होने वाले हैं रोशन जमाना सजाने हुजूर आ रहे हैं, जमी आसमां होने वाले हैं रोशन जमाना सजाने हुजूर आ रहे हैं, जमाना सजाए हुजूर आ रहे हैं। उठो गम के मारो उठो बेसहारो, उठो गम के मारो उठो बेसहारो, मुकद्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं। उठो गम के मारो उठो बेसहारो, मुकद्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं। मचलने लगे चांद सूरज सितारे, बदलने हैं वाले हैं हर सू नजारे, मचलने लगे चांद सूरज सितारे, बदलने हैं वाले हैं हर सू नजारे, करार आने वाला है टूटे दिलों में, करार आने वाला है टूटे दिलों में, उजाला लुटाने हुजूर आ रहे हैं, उजाला लुटाने हुजूर आ रहे हैं। यही ईद पर्व उपलक्षे समस्ते नूतन वस्त्र परिधान करी जणे अन्य जण को ईद मुबारक बा अभिनंदन जणै निज निज भितरे भाईचारा उदाहरण सृष्टि करी। ईद पर्व उपलक्षे हिंदू मुस्लिम एक होई प्रत्येक घरे बेस सुस्वाद व्यंजन करी हस खुशीरे ईद पर्व पालन करपा नजर पासी छे। मयूरभंज रो राजांक रिपोर्ट, न्यूज 11 ओडिसा।